गाइस गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो फिलहाल दोपहर के 2 बज चुके हैं और हम सभी लोग जा रहे हैं, जो हमने अपने सतगुरुदेव भगवान के लिए भिक्षा की थी उसको मथुरा वृंदावन गोवर्धन के लिए लेके, जहां हमारे गुरु जी का आश्रम है। तो बहुत सारे भाई जा रहे हैं हमारे, अब आपको वन बाई वन बताता हूँ उनके बारे में। भाई सभी हमारे भाई लोग, हमारे गौरव भाई, हमारे लक्ष्मण भैया जी, और ये हमारे पप्पू भैया का लड़का बाबा चमन, और हमारे मुकेश भैया जी, हमारे गुरु भाई रिठौड़ी गाँव से, और चमन बाबा जी, बाबा जी, और डॉक्टर साहब राज, अरे हमारे प्रमोद भैया, और ये विशाल अग्निहोत्री, और हमारा मंकू भैया। तो भाई फिलहाल आ गए हैं घोड़ी गांव और यहां से अनाज लेंगे, और ठोड़ी गांव से ले लिया, अपने गांव से ले लिया है, क्योंकि हमारे जो गुरुजी के शिष्य हैं गुरु भाई, वो घोड़ी गांव में भी हैं, रठौड़ी में भी हैं, और नए गांव में भी, लेकिन वो नए गांव वासी जो हैं वो हमारे गांव में अनाज दे देते हैं। तो फिलहाल यहां से अनाज लेने के बाद सीधे चलेंगे KMP ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। जोर लगा के, बहुत सुंदर। फाइनली सभी कार्य हो चुका है और अब चलते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे मथुरा वृंदावन गोवर्धन। हेलो बाके बिहारी लाल की। फाइनली पहुंच गए हैं हम ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे के टूल टैक्स पर, और यहां पे अब टूल कटेगा हमारी गाड़ी का। फाइनली गाइज एंट्री हो चुकी है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, और अब हम सीधे पलवल उतरेंगे आगरा वाले हाईवे पे। तो फाइनली गाइज निकल चुके हैं पलवल वृंदावन के लिए, और हाईवे पे चलता हुआ हमारा ट्रक। तो गाइज बहुत ही सुंदर मौसम, घटाओं के साथ ठंडी हवा, और बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं आज। और हाईवे से पासी का जंगल और पासी के गांव बहुत सुंदर दिखाई पड़ते हुए। तो गाइज सभी लोग बड़ी शांति के साथ AC का अनुभव करते हुए। तो गाइज गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी, गौतम बुद्ध नगर जो हाईवे के नज़दीक दिखाई पड़ रही है आपको, हाईवे के नीचे से हमने एक्सप्रेस वे दूसरा हाईवे NHI की बहुत अच्छी तरक्की। तो गाइज यमुना महारानी जी आ चुकी हैं, और ये बहुत ही बड़ा पुल है यमुना जी पे। तो फिलहाल यमुना जी को पार कर दो। बोले यमुना मैया की जय। तो गाइज फिलहाल रास्ते में बारिश आ गई है, और हम लोगों ने तिरपाल जो है नाच पे है, क्योंकि भीग जाता तो नाच खराब हो जाता। तो फिलहाल तिरपाल डाल के चलते हैं। सभी भक्तजन, सभी गुरु भाई, सभी भाई बंधु तिरपाल को पकड़े जा रहे हैं गुरु जी का आश्रम गोवर्धन के लिए, और बहुत झमाझम बारिश हो रही है बाहर, काफ़ी तेज हवा भी चल रही है। तो फिलहाल इसको पकड़े हुए पहुंचते हैं आश्रम की तरफ। पकड़ो पकड़ो, उड़ने वाला है। तो भाई बहुत तेज हवा चलती हुई, और ये तिरपाल है संभाले नहीं संभल रहा, देख पा रहे हैं आप। तो फाइनली गाइस फिलहाल बारिश बंद हो चुकी है, और हम लोग पहुंच गए होडल हरियाणा में, और यहां से वृंदावन कुछ ही दूरी पर है, और वृंदावन से 20 किलोमीटर की दूरी पर है गोवर्धन पर्वत, जहां हमारे गुरु जी का आश्रम है वहां पहुंचेंगे। तो फिलहाल बारिश बंद हो चुकी है, और सभी भाई बंधु शाम के ताजगी भरे मौसम का आनंद लेते हुए, और अब बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तो सभी कुछ ना कुछ साथ में लाएँ। तो फिलहाल प्रसाद ग्रहण करते हुए अपने हाथों से चाची ने बना के दिए परांठे, चाय, चाप की सब्जी, और चाप की सब्जी हींग डाल के छौंका रहा था चाची ने हमारे ना। भगत जी हमें भी दोगे हमें तो कुछ, भगत जी हमें भी दोगे हमें तो कुछ ना दो, भगत जी बताओ दोगे कपड़ा वैसा सच्चे में। तो गाइस हमारे भगत जी बहुत ही ज्यादा भूख से व्याकुल होते हुए, और ये अब जो ना किसी को दे नहीं रहे रोटी, भगत जी दे दो एक आध रोटी यार, भगत जी दे दो ना दे मैं भैया, देखिए सब इनकी मुंह की ओट को देख रहे हैं हमारे गुरु भाई भी, पर ये किसी ने नहीं दे रहे, केले केले खा रहे, पर छाए मिल गई हमें। तो भाई बहुत सारी प्रार्थना करने पर भगत जी रह मांगा, और एक रोटी दे दी हमें, और हमें छाए दूंगा इन्हें थोड़ी सी, क्योंकि एक्सचेंज में सौदा जी। खाना खा के अपने टिफिन और लंच को रखते हुए पब्लिक को दिखाना तो पड़ता है। भगत जी आनंद आ गया, भगत जी भगत जी आनंद आया ना आया। गाइस फिलहाल आ गए होडल टूल टैक्स NH 44, और अब यहाँ से हमारा टूल क्रॉस हो गया है, और अब यहाँ से कुछ ही दूरी पर वृंदावन पहुँचेंगे उस समय में। तो जय श्री राधे, बने रहिएगा ब्लॉग में अंत तक। तो गाइस ये नई क्रेन और बड़ी क्रेन
हमारे बराड़ से जाती हुई हमारी गाड़ी मारती हुई, काफ़ी अच्छी क्रेन देख पा रहे हैं आप। तो गाइस यहाँ से मथुरा 45 और हम कुलाल कोसी कला में पहुँच गए हैं। These nights are getting shorter, like a bad night I'll conquer. In my soul, this is real. These nights are... तो गाइस यहाँ पे रुके हैं कुछ फ्रेश वगैरह होने के लिए, तो कुछ समय में फिर यहाँ से चलेंगे। तो फाइनली गाइस पहुँच गए हैं वृंदावन गोवर्धन मार्ग पे, और वृंदावन आ गए हम फिलहाल। तो गाइस ये है वृंदावन कट, मेरो वृंदावन। यहाँ से वृंदावन 4 किलोमीटर है, और इस आगरा वाले हाईवे के नीचे से निकल के हम गोवर्धन वाले रोड पे चढ़ेंगे। अभी गोवर्धन जी यहाँ से 20 किलोमीटर है। तो ये वृंदावन पुलिस और मेरा वृंदावन। तो फिलहाल हम वृंदावन नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं गोवर्धन गुरु जी के आश्रम। भाई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है वृंदावन में, और देख पा रहे हैं आप सड़क पर किस प्रकार से जल भराव हो गया है। तो बहुत ही ज़्यादा बारिश अभी अभी बंद हुई होगी यहाँ पर कुछ टाइम पहले ही। गोवर्धन 20, दादा कुंड 16 किलोमीटर। गिरिराज महाराज की। फाइनली गाइज हम पहुंच गए हैं गोवर्धन पर्वत, और ये सामने परिक्रमा मार्ग, और परिक्रमा मार्ग के सामने ही पहले कलर में हमारे सतगुरुदेव भगवान जी का आश्रम, और अभी गाड़ी मुड़क के जाएगी वहाँ। परिक्रमा मार्ग गोवर्धन जी का, और ये परिक्रमा चलती हुई राधे राधे। हमारे सभी भाई बंधु उतरते हुए गाड़ी से, और हमारा गुरु जी का आश्रम, अभी इसमें गाड़ी अंदर लगेगी। हमारे शास्त्री जी कूदेंगे अब स्पाइडरमैन के अंदाज में राधे राधे। लक्ष्मण भैया भी कूद गए, और अब भगत जी स्पाइडरमैन के अंदाज में। भगत जी के हाथ में चोट लगी हुई है, इस वजह से वो कूदना धीरे धीरे। और हमारे चमन बाबा जी उतरेंगे अब। ये कूदे बाबा जी, बहुत सुंदर बाबा जी। और ये हमारे 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 गौरव भाई पूरी सुरक्षा के साथ, पूरे सुरक्षा उपकरणों को साथ में लेके। फाइनली गाइस सभी भक्तजन आश्रम में प्रवेश करते हुए, और गाड़ी मुड़ के लगेगी अब, फिर अनाज को खाली करा जाएगा। फाइनली गाइस सभी अनाज को उतार के आश्रम के अंदर शिफ्ट कर दिया है, और अब ये जो पल हैं, तिरपाल हैं, हमारे लक्ष्मण भैया मुकेश भैया मेहनत करते हुए इनको इकट्ठा कर रहे हैं। तो फिलहाल हम आपको दिखाते हैं अपने गुरुजी के आश्रम में बहुत ही सुंदर सुंदर गाय और उनके छोटे छोटे बछड़े, और आश्रम का एक बहुत ही प्यारा सा भक्तिमय वाइब्स जिसमें प्राप्त होती है हमें, क्योंकि एक धाम में स्थित है श्री धाम वृंदावन, मथुरा वृंदावन के अंदर गिरिराज जी के परिक्रमा के अंदर हमारे सतगुरुदेव भगवान जी का आश्रम। तो आइए फिलहाल आपको दिखाते हैं। तो गाइज आप देख पा रहे हैं हमारे गुरु जी के आश्रम में एक छोटी सी गौशाला, जिसमें बहुत सारी गौवे हैं जो आप देख पा रहे हैं। ये सभी लोग आश्रम की गौवे हैं, और इसके पीछे भी कुछ गौशाला है, उधर बहुत सारी गौवे बंधी हुई हैं, और ये सभी गायों के बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर छोटे छोटे बच्चे, और देखने में काफ़ी मनमोहक। तो गाइस विशेषता है एक इन गायों की कि यहाँ पे जो इनके सेवक हैं बाबा जी के आश्रम में, जो भी सेवा करते हैं गौ की, तो वो हर गाय को किसी न किसी नाम से पुकारते हैं, और उनके पुकारने पे गाय माता सुनती हैं और उनके पास आती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात कि गौ माता से इतना प्रेम है हमारे ब्रजमंडल में, और ब्रजमंडल साक्षात भगवान श्री कृष्ण का धाम है। तो गाइस जी हमारे सतगुरुदेव भगवान जी का बहुत ही सुंदर सा आश्रम, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में साधु संत सन्यासी भजनानंदी बाबा रहते हैं, जिनके दर्शन भी दुर्लभ होते हैं। कहते हैं कि संत मिलन और हरि कथा इस संसार में दो बहुत ही कठिन है, बाकी सुतधारा और लक्ष्मी पापी के भी पास होती है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में साधु सन्यासी भजनानंदी संत हमारे सतगुरुदेव भगवान जी के सानिध्य में रहते हैं। और ये सारा जो आप देख पा रहे हैं आश्रम की भूमि है, और ये जो मंदिर है जिसमें भगवान श्री निताई गौर जी का विग्रह स्थित है, और इस पे ऊपर अभी निर्माणाधीन है। तो काफ़ी ज़्यादा भूमि में बना हुआ गुरु जी का आश्रम। तो गाइस ये परिक्रमा मार्ग से सटा हुआ हमारे सतगुरुदेव भगवान जी का आश्रम, और इधर पहले
भगवान निताई गौर जी का मंदिर होता था, लेकिन यहाँ से शिफ्ट हो गए इस नए मंदिर में हो गया। और इसके ऊपर एक कार्य निर्माणधीन है जो बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाएगा। तो हमारे सभी भाई लोग जो हमारे साथ में हैं, अब कुछ ही समय में अपनी परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। और फिलहाल हमें यहाँ का जो अनाज का कार्य था वो निपट गया है, और हम सभी लोग भाई लोग अब अपनी परिक्रमा को स्टार्ट करेंगे कुछ ही समय में। तो हम कुछ ही समय के पश्चात अपनी परिक्रमा को प्रारंभ करेंगे, लेकिन वो हम एक नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे। इस व्लॉग में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे जल्दी आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।